प्लीज अभी बजिए 10 आप देख लो मैं कहीं एक मिनट भी ज़्यादा नहीं प्लीज 10 बजिए मैं बोल रही हूँ। आरपीएससी की ओर से उदयपुर में 118 सेंटर्स पर रविवार को आरएस 2023 प्री एग्जाम शुरू हुए। सुबह 11 बजे पेपर शुरू होना था, जिसको लेकर एक घंटे पहले यानी कि सुबह 10 बजे तक एंट्री दी गई। शहर के कुछ सेंटर्स पर जैसे ही गेट बंद होने लगे, तभी दौड़ते हुए कुछ अभ्यर्थी गेट पर पहुंचे और गेट खोलने की विनती करने लगे। रोते गिड़गिड़ाते हुए एंट्री देने की गुहार लगाने लगे। इसी कड़ी में सरकारी फतेह सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एंट्री नहीं मिली तो अभ्यर्थियों ने जोरदार हंगामा किया। फिर जैसे तैसे अभ्यर्थी गेट में एंट्री तो पा गए, लेकिन परिसर में मौजूद पुलिस के जवानों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। इस घटना से आक्रोशित होकर अभ्यर्थी एंट्री के लिए अड़े रहे। ऐसे में माहौल गरमाया और घटना की जानकारी मिलते ही सूरजपोल थाना अधिकारी दलपत सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने मौके पर मौजूद अभ्यर्थियों से मुलाकात की और उन्हें अवगत कराया कि सेंटर्स में एंट्री देने का समय तय करना और एंट्री देना और रोकना यह स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी है। पुलिस तो यहाँ सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तैनात है। इसी बीच दिल्ली से एग्जाम देने उदयपुर आई आरती सोहिया की माने तो वह सेंटर पर 9:59 पर पहुंची थी। उनके सामने ही गेट बंद किया गया, लेकिन जब उन्होंने गेट खोलने की बात कही तो किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आपको बता दें कि उदयपुर में 118 सेंटर्स पर 43% लोगों ने एग्जाम दिया। कुल 38,100 अभ्यर्थी ने अपना पंजीकरण कराया था, जिसमें से 16,500 अभ्यर्थी एग्जाम देने पहुंचे, जबकि 21,500 अभ्यर्थी एबसेंट रहे। तो वहीं दूसरी ओर फुल अस्तीन का शर्ट पहनकर पहुंचे अभ्यर्थियों को भी रोक दिया गया। आरपीएससी एग्जाम में ड्रेस कोड बताए जाने के बावजूद कई अभ्यर्थी फुल अस्तीन के शर्ट पहनकर एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए, जिन्हें एंट्री नहीं दी गई। ऐसे में अभ्यर्थियों को फुल अस्तीन के शर्ट खोलकर बनियान में ही एग्जाम देने के लिए बैठना पड़ा। वहीं कुछ महिला अभ्यर्थी को एंट्री से पहले कानों की कुंडल, ब्रेसलेट सहित अन्य आभूषण भी खोलने पड़े। जाओ ना जाओ। चेक करो बच्चों को, परीक्षा से वंचित करोगे क्या? एक घंटा रिकॉर्डिंग करो सर, रिकॉर्डिंग करो। ये कौन सा तरीका है? आप चेकिंग करो बच्चे की, आपका सीनियर कोई हो तो। आप परीक्षा से वंचित करने के अधिकारी नहीं हो। नहीं है तो लाइन लगाओ इनकी, चेक करो। पेपर इनके 11 बजे से है, आपने 10:15 बजे इनको एंट्री रोक रहे हो। आप चेकिंग करो, कौन सा तरीका है? आप गेट खोलो, गेट खोलो। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ, इतने परीक्षार्थियों को आप वंचित करने के अधिकारी नहीं हो। नहीं, आपका काम नहीं, गेट खोलो। जो यहाँ का परीक्षा प्रभारी होगा वो आएगा। कानून बने ना, ये कानून बिगाड़ रहे हैं क्या? क्या सही है? आप चेकिंग करो ना, परीक्षा से कैसे रोक लो? यहाँ परीक्षा प्रभारी होगा वो बात करेगा, आपसे बात नहीं करूंगा। परीक्षा से